वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे से होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ तीज मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ बस टोनर यूज़ करेंगे, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है टोनर अप्लाई करना। देन मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। रोज़ ही फेस को मेकअप करने से पहले फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉइस्चराइज़र आप स्किप ना करें। इससे स्मूथ बेस निखर के आता है, तो अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना हमें भर भर के। ड्राई स्किन वाले तो खास करके मॉइस्चराइज़र स्किप ना करें। देन मैं यहाँ ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ करूँगी। बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइस, एक बार आप डेफिनेटली ट्राई करिए। एकदम फ्लॉलेस स्मूथ बेस आपको प्रोवाइड करता है ये। अच्छे से अप्लाई कर लूँगी मैं। देन मैं यहाँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन शेड 115 अप्लाई करूँगी। डॉट डॉट करके पूरे फेस पर मैं अप्लाई कर लूँगी। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। देन मैं यहाँ NYBA का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लेना है हमें। देन साथ ही मैं यहाँ कॉन्टोरिंग क्रीम कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, तो मैं कॉन्टोर स्टिक से अपने जहाँ जहाँ मुझे प्रोवाइड है कॉन्टोर, वहाँ मैं कॉन्टोर कर लूँगी क्रीम कॉन्टोरिंग। सबसे पहले हम कंसीलर पर ब्लेंड करेंगे, देन उसके बाद हम कॉन्टोरिंग करेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हमें। अगर दोनों में एक साथ ब्लेंड करूँगी तो कलर मिक्स हो जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए पहले हमें सबसे पहले कंसीलर को ब्लेंड करना है, देन जो कॉन्टोर हम लोग करे हैं उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं कॉन्टोरिंग करने के बाद फेस कैसे अलग से 3D कट मिल गया है हमारे फेस को। देन मैं यहाँ जॉनसन्स बेबी पाउडर लूज़ पाउडर अपने फेस को सेट करने के लिए अप्लाई करूँगी। हमें 5 मिनट या कम से कम 2 मिनट छोड़ देना है पाउडर को ऐसे सेट होने के लिए। देन ब्रश की हेल्प से हमें इसे सारे पाउडर को डस्ट आउट कर लेना है, रिमूव कर लेना है अपने फेस से। मैं कॉन्टोरिंग एरिया को बेकिंग नहीं की हूँ क्योंकि मैं क्रीम कॉन्टोरिंग की हूँ, इसकी वजह से अच्छे से। देन मैं यहाँ आई शेडो अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं अपना ब्राउन शेड लेकर अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी अच्छे से ब्रश की हेल्प से। देन मैं यहाँ सॉफ्ट बहुत ही प्यारा आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। देन मैं यहाँ ब्लू हेवन का ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। गाइस अगर आपको अपने फेस को लिफ्टेड दिखाना है तो आप साइड में ब्लश यूज़ करें, एंड अगर आपको फुलर दिखाना है तो आप चीक्स पर ब्लश अप्लाई करें, इससे अलग अलग लुक मिलता है। देन मैं यहाँ आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, तो सबसे पहले हम लाइट पिंक शेड एज ए ट्रांजिशन यूज करेंगे मैं। देन मैं यहाँ पर डार्क पिंक कलर यूज़ करूँगी ट्रांजिशन शेड को डिफाइन करने के लिए। अच्छे से हमें दोनों आइज़ पर अप्लाई कर लेना है। देन मैं यहाँ ब्राउन शेड लेकर अपने आउटर वी पर अप्लाई करूँगी। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हमें आउटर वी पर, अच्छे से अप्लाई कर लेना है डार्क ब्राउन कलर को। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देन मैं अपना कंसीलर लेकर फ्लैट ब्रश से कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। एकदम धीरे धीरे आपको कट क्रीज ड्रॉ करना है। दोनों आइज पर मैं कट क्रीज ड्रॉ कर लूँगी। देन फिंगर के हेल्प से मैं उसे ब्लेंड करूँगी हल्का हल्का। मैं
मैं कट क्रीज को सेट नहीं करूँगी बिकॉज विदाउट सेट करे हुए आई शेडो लगाने से अच्छा आई शेडो का कलर उभर कर आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ येलो सेट सॉरी पिंक सेट को लेकर अपने क्रीज पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं यहाँ येलो सेड अप्लाई करूँगी अपने हाफ इनर कॉर्नर पे 1/3 पर। देन मैं यहाँ ऑरेंज सेड लेकर अपने मिडिल आई लिड पर अप्लाई करूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। देन डार्क ऑरेंज कलर लेकर मैं अपने आउटर वी पर अप्लाई करूँगी अच्छे से फिंगर के हेल्प से। फिर तीनों कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देन मैं फिंगर की हेल्प से गोल्डन शिमर सेट लेकर अपने मिडिल आई लिड पर अप्लाई करूँगी। इससे बहुत ही प्यारा आई मेकअप लुक क्रिएट होता है गाइस, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक क्लीन ब्रश से हम अच्छे से सारे एजेस को ब्लेंड कर लेंगे। देन सेम शेड पिंक कलर शेड लेकर मैं अपने इनर सॉरी लोअर लेसेस पर अप्लाई करूँगी। देन ब्राउन शेड को अपने आउटर वी पर लोअर आउटर वी पर अप्लाई करूँगी। देन मैं यहाँ स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ फैशन कलर का, नॉर्मल आईलाइनर ड्रॉ करूँगी मैं अच्छे से। मैं पॉइंटेड आई क्रिएट कर रही हूँ इनर कॉर्नर पर, थोड़े आईलाइनर को पॉइंटेड कर रही हूँ मैं। देन मैं यहाँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल यूज़ करूँगी अपने लोअर वाटर लाइन पर। देन मैं यहाँ मैट लुक का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइस, बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है आपके लेसेस को। देन हम यहाँ मेकअप को सेट कर लेंगे, उसके बाद हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे एंड लिपस्टिक। देन मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने सेटिंग स्प्रे को हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। देन हम हाइलाइटर लगाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, विदाउट हाइलाइटर आपका फेस ग्लोवी नहीं लगता है, सो आप हाइलाइटर ज़रूर लगाइए। मुझे हाइलाइटर लगाना बहुत ही पसंद है अपने हाई पॉइंट्स पर, चीक बोन्स पर, नोज पर, क्यूपिड्स बो पर अच्छे से हाईलाइट कर लेना है आपके फेस को। आप फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं हाईलाइटर लगाने के लिए, कोई भी आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे से हाईलाइटर लगना। देन मैं यहाँ सेम हाईलाइटर को अपने ब्रॉ बन पर अप्लाई करूँगी अपने ब्रॉ बन को हाईलाइट करने के लिए। देन मैं इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। देन मैं यहाँ पर मी वॉन का रेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ गाइस, फेस्टिवल है तो ब्राइट शेड अप्लाई करना, रेड लिपस्टिक लगाना बहुत ही अच्छा लुक देगा आपके फेस्टिवल में, आपको चार चांद लगा देगा। मैंने यहाँ रेड लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलेगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।